हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली मार्केट में। पहले निफ्टी ऊपर गया, 12,000 का हाई बनाया, उसके बाद 11,766 का लो बनाया, और उसके बाद वापस आके क्लोज हुआ है 11,929 पे। तो आज काफ़ी ज़्यादा अपसाइड डाउन था और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। और कल एक्सपायरी है, तो कल मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी आनी थी वो आज ही आ चुकी है। तो कल एक्सपायरी है, तो कल लगता है मुझे थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है 11,900 से लेके 12,000। ये एक्सपायरी लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 11,900 से लेके 12,000 का लेवल लग रहा है एक्सपायरी के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लेवल लग रहा है 24,500 से लेके 25,000। ये 500 पॉइंट के रेंज में एक्सपायरी पॉसिबल है। आप अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। कल एक्सपायरी डे के दिन थोड़ा सा मार्केट शांत रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक ही दिन में आज हमें देखने को मिली है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको वोल्टास बाय दिया था 701 के ऊपर, ये 710 तक जाके आया। इसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा। मैंने आपको एशियन पेंट बाय दिया था 2132 के ऊपर, ये 2143 तक जाके आया। सो 10-12 रुपये ट्रेड फेवर में था, लेकिन उसके बाद आफ्टरनून में जब सेल ऑफ देखने को मिला तब ये अगेंस्ट गया है। तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। 10-12 रुपये ट्रेड फेवर में गया है। ACC मैंने आपको सेल दिया था 1562 के नीचे, इसमें सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। और जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेड देता हूं वो कैश लेवल बेस्ड होता है, फ्यूचर लेवल बेस्ड नहीं होता। तो फ्यूचर लेवल बेस्ड में आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना, कैश लेवल में आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लो। जितने ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखो, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सिस्टम इन इंट्राडे ट्रेडिंग। पहले ये वीडियो ध्यान से देख लो, पूरा समझ लो, उसके बाद मेरे कॉल्स पे आप ट्रेडिंग करो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि ये वीडियो में मैंने पार्ट प्रॉफिट बुकिंग भी बताया है और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कैसे करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में वो भी सिखाया है। सो ये ध्यान से पूरा वीडियो देखना, उसके बाद मेरे कॉल्स पर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। जो भी मैं कॉल्स दे रहा हूँ वो सब इंट्राडे कॉल्स है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आप पहले रूल्स समझ लो उस वीडियो में जो मैंने दिए हैं, उसके बाद मेरे कॉल्स पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए, आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। ये नीचे गया था 4,500 के नीचे, लेकिन वापस एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है, और रिजल्ट के बाद इसमें एक स्ट्रांग अपमूव हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है ये 4,800 का लेवल वापस रिटेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट में, काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है। और पॉसिबल है अगर ये स्ट्रांग अपमूव हुआ, यहाँ से 5,000 तक का लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है अगर एक स्ट्रांगली अपमूव हमें देखने को मिला 4,800 के ऊपर। सो अभी फिलहाल 4,800 तक का टारगेट्स लग रहा है। सो आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपने रडार में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा JSW स्टील। JSW स्टील में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, और ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है 320 के ऊपर। आज भी अगर आप देखो 315 का लो बना है, वापस रिकवरी हमें देखने को मिली है। इसमें मुझे लगता है 340 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ तक। सो 340 तक पॉसिबल है JSW स्टील, यहाँ से 10-15 रुपये का और मूवमेंट कर सकता है। सो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट। अगर आपने नोट डाउन किया तो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। ACC भी मैंने सेल दिया था, लेकिन वो गैप अप ही ओपन हुआ और काफ़ी स्ट्रांग अप हमें देखने को मिला ACC में। सेम वे अंबुजा सीमेंट भी 246 तक आया, उसके बाद वापस हमें रिकवरी देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट में मुझे लगता है यहाँ से 270 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 265-270 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो अंबुजा सीमेंट में, काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।